कहाँ तक हो गया है मैम लिटरेचर में? चैप्टर 6 की पोयम पढ़ानी थी। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? नो मैम, ये पढ़ा चुकी हैं। अच्छा, हु आई एम भी हो गया था और पोएम बची है इसकी, द वंडरफुल वंडरफुल वर्ड्स। वर्ड। स्टार्ट करते हैं द वंडरफुल वर्ड्स रिटन बाय मैरी ओ नील। तो नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। श्रिवल यानी कि सूख जाना या नष्ट हो जाना। तो कह रहे हैं कि नेवर लेट थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू सी इट। थॉट यानी कि जो विचार होते हैं हमारे माइंड में, और से यानी कि बोलना। तो हमारे जो माइंड में जो विचार होते हैं, जो हम सोचते हैं बोलने से पहले, जो हम सोचते हैं माइंड में, वो हम दूसरों तक कैसे अपनी बातों को कन्वे कर पाते हैं? किसके थ्रू कन्वे करते हैं हम लोग? अपनी भाषा के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। तो जब हम बोलेंगे, वर्ड हमारे मुंह से निकलेंगे, तभी तो सामने वाला समझेगा ना कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है और हम क्या कहना चाह रहे हैं। यस मैम। हाँ, इस पोयम में वर्ड्स के बारे में बताया, शब्दों के बारे में बताया है कि हाउ वंडरफुल द वर्ड्स आर। जो शब्द होते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने बातों को कह पाते हैं। तो नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट। तो जितने भी हमारे माइंड में जो विचार आते हैं, उनको कभी भी नष्ट नहीं होने देता है कौन? वर्ड। जो चाहते हैं हम, वो हम कह पाते हैं। For English is a wonderful game and all of you can play it. So English क्या है? एक language है, एक भाषा है, हमें अपना कुछ भी विचार बताने का जरिया है। और English is a global language. तो अगर आप कहीं पर भी किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, हर कंट्री का कहा जाता है कि कुछ ही मीटर के बाद जो लैंग्वेज होती है वो बदलने लगती है, भाषा जो होती है बदल जाता है। तो सोचिए किसी कंट्री में अगर हम जाएंगे तो वहां की लैंग्वेज कितनी चेंज होगी। कहीं की भी, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर हमें इंग्लिश का ज्ञान है, अगर हमें इंग्लिश के वर्ड्स पता है, तो हम वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। तो एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। अगर आपको भाषा आती है, अगर आप बोल पा रहे हैं, तो आप बहुत महान खिलाड़ी बन पाओगे और आप जो चाहेंगे वो कह सकते हैं, अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे नहीं होता तो सेंटेंस क्या होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो जो एक सेंस बनाते हैं, कई सारे शब्दों का समूह होता है जो एक मतलब बनाता है। तो अगर आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स पता है तो आप उस गेम को खेल सकते हैं आसानी से। बस आपको क्या करना है कि उसके शब्दों का मतलब और सही समूह को एक साथ लगाना होता है ना। द ब्राइटेस्ट यस थॉट इन योर हेड। आपके माइंड में जो भी अच्छे से अच्छा जो थॉट आता है, जो विचार आता है, उसको आपको सिर्फ एक सेंटेंस में बनाना रहता है और अपनी बात को कहनी रहती है। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। और अगर आप सही से ग्रुप को लगाएंगे और सही वर्ड का यूज करेंगे, चुनाव करेंगे, तो आपकी जो बात है वो एकदम क्लियर हो जाएगी दूसरे के सामने, वो आप एकदम सही सही बोलेंगे। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड सेट फॉर मेनी ऑफ द लवलीएस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेट। ग्रूम्ड मतलब तैयार होना, मतलब जो हमारी जो बातें हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं, वो एकदम अच्छी तरह से ना, हम एकदम अच्छी तरह से अपनी बात को कह पाएंगे और हमारी जो बात है वो एकदम अच्छे से दूसरे के सामने हम रख पाएंगे। हैव नेवर येट बीन सेट,
What are the food and dress of thought? जो शब्द होते हैं वो विचारों का एक तरह से पहनावा होते हैं, मतलब जो हम सोच रहे हैं वो हम किसी के सामने तभी रख पाएंगे जब हमारे पास वो वर्ड्स होंगे, है ना। तो जो वर्ड्स होते हैं वो थॉट के ड्रेस होते हैं, थॉट वर्ड के बिना अधूरे हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड फ्रेम, हमारे विचार जो हैं उनको एक आकार कौन देता है, एक शब्द देता है, एक जो वाक्य होता है वो देता है। एंड एवरीवन longing today to share some fresh and beautiful thing. और सबको अच्छा लगता है कि कुछ अच्छी अच्छी बातें कही जाए, किसी को भी अपशब्द नहीं पसंद होते, किसी को भी अपने लिए बुरा नहीं सुनना होता, सब क्या कहते हैं कुछ अच्छी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती है सबको। तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन करें जो सामने वाले को बहुत खुश कर दें। कहा जाता है ना कि ऐसी वाणी बोलिए, मतलब ऐसा कुछ अच्छा बोलिए जो सामने वाले को खुश कर दे। But only words can fire a thought, sorry, free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. So, अगर आपके माइंड में कोई बहुत बड़ा कुछ अच्छा है, कहा जाता है ना कि ये जो भाषा होती है वो ताकत होती है। अगर हम अपने विचार सामने वाले के साथ, अगर हम अभी हमें भाषा ना आ रही होती, हम लैंग्वेज ना बोल पा रहे होते, तो आप तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाते। तो ये जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, ये एक पावर होती है। तो अगर हम जो माइंड में मेरी चीजें हैं उनको हम फ्री कैसे करेंगे, रिलीज कैसे करेंगे, बोल कर, और बोल कैसे पाएंगे, वर्ड्स के थ्रू। इसीलिए पोएट ने कहा है, मैरी ओनील ने, कि वर्ड वंडरफुल होते हैं, जो शब्द है वो वंडरफुल है। और क्या पता किसके माइंड में कौन सी अच्छी चीज चल रही है, कौन सा बढ़िया कुछ इन्वेंशन या कोई बड़ी बात चल रही है जो वो अपने शब्दों के थ्रू हमें कन्वे कर सके। तो समझ में आ गया पोएम जैनब बल्दी? यस मैम। नहीं समझ में आया तो बताइए। मैम आ गया। नो मैम, समझ आ गया। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, फेयर प्ले। आ जाइए इस पे, फेयर प्ले पार्ट 1 स्टार्ट करें। यस मैम। चलिए, बहुत अच्छी स्टोरी है, इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सीखने वाली स्टोरी है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो व्यक्ति थे, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। टू स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। बॉन्ड यानी कि जो रिश्ता होता है, जो बंधन होता है, तो इन दोनों का, इन दोनों की इतनी फ्रेंडशिप इतनी मजबूत थी कि जब भी इनके इनमें से कोई एक अपने गाँव के बाहर जाता था तो जो दूसरा वाला जो गांव में रहता था वो उनकी फैमिली की देखभाल करता था। मतलब दोनों में से कोई एक बाहर गया तो जिस जो गया है उसकी फैमिली की देखभाल जो मौजूद है विलेज में वो करेगा, इतना इन लोग ने भाईचारा था। द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों को ग्रेटली रिस्पेक्टेड यानी कि दोनों को गाँव के अंदर बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था, बहुत उनको पसंद किया जाता था। जुम्मन आंट, यस बेटा, ये वाली तो स्टोरी पिछले साल हम लोग पढ़ चुके। पिछले साल क्या है स्टोरी, बताइए फिर हमें भी बताइए। स्टोरी में है कि क्या कहते हैं, जुम्मन शेख जाता है तो हाँ? लड़ाई हो जाती है, अपनी सारी जायदाद उसको मुझको दे दे और मैं आराम से बैठ के खाऊं और उनकी सेवा ना करूं। तो वही अलगू चौधरी बुरा लगता है तो वो पंचायत बैठाती है, पंचायत में फैसला होता है फिर। अच्छा, तो आप लोगों सबको पता है ये स्टोरी? यस मैम। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर, बताइए व्हाट वाज जुम्मन वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। जुम्मन ने ऐसा क्या कह दिया था पंचों के सामने जो अलगू जो था वो उससे डिफेंड कर रहा था, उसको बुरा लग रहा था, बताइए कौन सी बात, क्या उसने शब्द बोले थे? मैम जुम्मन ने कहा था कि क्या कहते हैं, तुम अपनी मौसी को, अपनी मौसी को वो क्या कहते हैं, अपने सारे के जुम्मन की मौसी के पक्ष में बोल दिया था उसको, बल्कि जुम्मन के पक्ष में बोलना चाहिए था और जुम्मन की मौसी के पक्ष में बोल दिया था। बेकार, खराब लगते हैं।
चलिए इसका आंसर बताइए. When Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, जब जुम्मन की आंटी को पता चला कि उनके घर में उनको वेलकम नहीं किया जा रहा, उनका स्वागत नहीं किया जा रहा है, what arrangement did she suggest? तब उन्होंने क्या ऐसा सुझाव दिया, क्या करने के लिए कहा? पंचायत बुलाने के लिए. पंचायत बुलाने के लिए कहा. Yes, ma'am. नेक्स्ट बताइए, व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम? विलेजर जो थे, जो गांव वासी थे, उन सब का क्या रिएक्शन था जब आंटी ने बताया अपने केस के बारे में पंच के सामने? उन सब लोगों ने कहा कि वो अलगू चौधरी से कहा कि क्या कहते हैं, अगर क्लियर नहीं पता है चैप्टर हम लोग पढ़े, बताइए आंसर. मैम वो पंचायत नहीं है, पंचायत वाले ये कह रहे थे कि अगर वो जुम्मन शेख अगर चाहता है कि वो उसके पास जमीन रहे तो अपनी अपनी वो उनकी अपनी मौसी की सेवा करे. अच्छा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन हर केस टू देम. विलेजर्स का क्या रिएक्शन था जब आंटी ने अपना जो केस सजन के साथ हुआ था वो उनको बताया था? ये उनका रिएक्शन पूछा जा रहा है, विलेजर्स का, आंटी ने जो बताया उसके प्रति क्या रिएक्शन था? चलिए जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं ताकि जो पुराना भूल गए हैं वो रिवाइज हो जाता है ना. बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों को पता है तो थोड़ी थोड़ी बातें जो भूल गए हैं वो याद आ जाएंगी, है ना? यस मैम. यस मैम, वो भी अभी जाने सकते हैं. यस मैम. चलिए, तो इतना इन लोग फेमस थे गाँव में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जुम्मन की आंटी के पास कुछ प्रॉपर्टी थी, उन्होंने जुम्मन को वो ट्रांसफर कर दी, दे दी. क्या सोच कर दी? कि जो उनका जो जुम्मन है वो उनका देखभाल करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी. द अरेंजमेंट वर्क वेल वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. जो उन्होंने तय किया था वो कुछ सालों तक ठीक से चल रहा था, लेकिन Then the situation changed. तब थोड़ी सी स्थिति बदल गई. फिर क्या हुआ? जुम्मन एंड हिज फैमिली वर चेंज. जुम्मन और उनका परिवार बदल गया. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन बिकेम एंड एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे. शी स्वॉलोड दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स बट पेशेंस has its limit. One day she spoke to Jumman, my son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. So auntie ko jab wo log khana dete the, Gunjan ki Jumman ki wife aur wo log khana dete the to unko bada bura lagta tha. और आंटी की वजह से जो पुराने पुराने रिलेटिव्स आते थे उनके घर पे वो भी उनको पसंद नहीं आता था. तो आंटी से ये लोग थोड़ा सा चिढ़ने लगे थे. तो आंटी को पता चल गया था कि जुम्मन को और उसकी फैमिली को उनका यहाँ पर रहना पसंद नहीं आ रहा है. तो आंटी ने क्या बोला जुम्मन से कि बेटा मुझे पता चल चुका है कि आप लोग को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा है, आप मुझे कुछ मंथली कुछ पैसा दीजिए और मेरा जो किचन है उसको अलग कर दीजिए ताकि मैं अपना खाना खुद से बना सकूं, क्योंकि आपको और आपकी वाइफ को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. My wife knows best how to run the house. Be patient, said Jumman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. और इसका रिप्लाई जुम्मन ने क्या कहा कि मेरी जो बीवी है वो बहुत अच्छे से जानती है घर चलाना, तो आप एकदम शांति से रहिए, वो आपको सब कुछ देगी. लेकिन इस बात से आंटी नाराज हो गई. उन्होंने ये क्या सोचा कि अब मैं ये सारी बात जो है वो पंचायत में लेकर जाऊँ. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her. So, कुछ दिनों तक, 3-4 दिनों तक, आंटी ने सारे गांव वालों को अपना पूरा सिचुएशन बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है.
कुछ लोगों ने उनके ऊपर दया दिखाई, कुछ लोग उनके ऊपर हंसे, कुछ लोगों ने उनको सलाह दी. मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. कुछ लोगों ने क्या कहा कि समझौता कर लीजिए और अपने भतीजे और उनकी बीवी के साथ आराम से देखिए. एंड लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. अलगू सेड, बट इट इज राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. Pleaded the old lady, come to the panchayat and speak the truth. She said, Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. So, जब Algu Chaudhary से आंटी ने बताया कि ये सारी सिचुएशन कि उनको जुम्मन इतना परेशान कर रहा है, तो Algu Chaudhary ने कहा कि मैं कैसे अपने दोस्त के खिलाफ जवाब दे सकता हूँ जबकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्ती खराब हो जाए. तो आंटी ने कहा कि लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है और तुम्हें पता है उसके बारे में तो तुम्हें सच्चाई का साथ देना चाहिए और पंचायत में उसके खिलाफ आकर जवाब देना चाहिए. तो अलगू ने कुछ जवाब तो नहीं दिया आंटी को, हाँ नहीं बोला, लेकिन जब आंटी चली गई तो उनके माइंड में ये बात उनकी घूम रही थी जो आंटी ने कहा था. पार्ट टू में देखिए क्या है. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री. जो पंचायत थी वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सेरेमनी होने लगी. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. जुम्मन खड़ा हुआ, उसने क्या कहा कि पंचों का जो कहना होगा वो मेरे लिए भगवान का बात होगी, मैं उसको मान लूंगा. लेट माई आंट टर्मिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन. उसने क्या कहा, मेरी जो चाची है ये पंच हेड पंच का चुनाव कर ले, जो सरपंच होता है उसका चुनाव कर ले, फिर जो केस होगा मैं अपना बता दूंगा. The punch knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. Fine, replied Jumman, hiding his joy over his unexpected speech of मैम. वो जुम्मन शेख ये सोच में आया था कि वो मेरे पक्ष में ही फैसला देगा. हाँ, वो जुम्मन शेख जो था वो सोच गया था कि अलगू चौधरी मेरे पक्ष में ही फैसला देगा. जुम्मन जानता था कि जितने लोग हैं उनमें से कोई मेरे खिलाफ नहीं जाएगा. वो एकदम खुश था, उसको लगा था कि पीस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, यानी कि बिना कुछ कोई मतलब कुछ हुआ भी नहीं और मेरा किस्मत इतना चमक गया. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू. अब अलगू ने क्या कहा, चाची तुमको तो पता ही ना जुम्मन मेरे खिलाफ क्या जवाब देगा, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. So, auntie ne head punch ke roop mein kisko chuna? Algu ko chuna. So, ab Jumman khush ho gaya. Lekin auntie ne Jumman ko jawab diya ki jo head punch hota hai, uske dil mein Bhagwan ka vaas hota hai, wo hamesha sach ka saath dega. Chahe tumhara dost ho, chahe dushman ho, lekin wo sachchai ka hi saath dega. फिर आंटी ने अपना पूरा केस बताया. जुम्मन सेड अलगू, यू आर ओल्ड फ्रेंड, मतलब मैं और तुम पुराने दोस्त हैं. योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू. नाउ आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. तो अब अलगू ने कहा जुम्मन को कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी आंटी मेरी आंटी, और जो भी होगा सही से मैं उसका निर्णय करूंगा, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ तुम क्या कहना चाहते हो. 3 years ago began जुम्मन. जुम्मन ने बताया 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर है प्रॉपर्टी टू मी. मेरी आंटी ने अपना पूरा जायदाद मुझे दे दिया. आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव. आई हैव डन ऑल आई कुड. मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था. There have been a couple of quarrels. मेरे घर में थोड़ा लड़ाई हो जाता था मेरी और मेरी वाइफ के बीच, मतलब मेरी आंटी और मेरी वाइफ के बीच. But I can't stop it. Now my aunt is claiming that a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. मेरी आंटी मुझसे मंथली इनकम चाहती है जो मैं नहीं दे सकता, बस मुझे इतना ही कहना था. Jumman was cross esteemed by Algu and others. Then Algu announced, we have gone into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. अब अलगू ने क्या कहा, हमने सब कुछ सुन लिया, देख लिया, अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जुम्मन को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, नहीं तो आंटी की सारी प्रॉपर्टी आंटी को वापस कर दे. Now the two friends were seldom seen together.
सेल्डम यानी कि कभी कभी ही अब वो दोनों एक साथ दिखाई देते थे. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन. इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज. अब तो वो लोग फ्रेंड से दूर की बात दुश्मन हो गए थे और जुम्मन अलगू से रिवेंज चाहता था यानी कि बदला चाहता था. पार्ट थ्री में देखिए क्या है. डेज पास एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलडॉग डाइड. अब कुछ समय बीत चुका था, कई दिन बीत गए. अलगू जो चौधरी था वो थोड़ा सा बुरी सिचुएशन में फंस गया था. उसके जो बुलॉग थे उनमें से एक बुलॉग जो था वो मर गया. जो खेत होता उसमें जो काम करते हैं ना बुल, उनको उनका एक पेयर चाहिए होता तभी वो काम कर सकते हैं. लेकिन अलगू के केस में क्या था, उसका एक बुलॉग डेड हो गया था. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू. उसने दूसरे वाले को किसको बेच दिया, समझू साहू को बेच दिया. अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो विलेज में कार चलाता था. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that bullock died within a month. ये समझौता हुआ था कि जो अलगू ने बैल दिया था साहू को उसका पैसा वो एक महीने के अंदर उसको अलगू को देता. लेकिन एक महीने के पैसा देने के पहले ही जो बुल था वो मर चुका था. Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't paid. तो कुछ जब बुल मर गया था तो उसके कुछ महीने बाद अलगू ने साहू को रिमाइंड कराया, याद करवाया कि मैंने तुम्हें जो बुल बेचा था जो कि मर चुका है, तुमने उसके पैसे अभी तक मुझे दिए नहीं है. साहू गॉट वेरी अनॉयड. अनॉयड यानी कि चिढ़ गया. साहू जो था वो एकदम चिढ़ गया. आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द वेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी. ही ब्रॉट अस नथिंग टू रिन. I have a bullock, use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. अब साहू क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें एक रुपए भी नहीं दूंगा. तुमने जो मुझे बैल दिया था वो तो खरीदते ही मर गया था, किसी काम का नहीं था. अब मेरे पास खुद एक बैल बचा हुआ है, तुम चाहो तो उसे ले जाओ, एक महीने के लिए यूज करो और मुझे वापस कर देना. मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा, गुस्से में उसने कहा. अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत. अब अलगू को ये चीज बुरी लगी. अब उसने क्या डिसाइड किया कि मैं पंचायत के पास जाऊंगा. फॉर अ सेकंड टाइम इन अ फ्यू मंथ. अब कुछ ही मंथ के अंदर दूसरी बार वो पंचायत के सामने गया. प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट. अब सब लोग तैयार हो गए मिलने के लिए. सब लोग पंचायत बुलाई गई. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री. अलगू stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." अब साहू ने क्या, अलगू कह रहा है कि साहू हेड पंच को चुने और जो डिसाइड किया जाएगा मैं उसमें खुश हो जाऊंगा. साहू saw his chance and proposed the name of Jumman. अब साहू को पता चल गया था कि जुम्मन और अलगू में बहुत दुश्मनी है. जुम्मन तो चाहता ही अलगू से बदला लेना, तो उसने किसको नॉमिनेट किया हेड पंच के लिए, जुम्मन. फिर अलगू हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल. बट व्हाट कुड ही डू. अब अलगू का दिल बैठा जा रहा था, वो एकदम पीला पड़ चुका था. वो जान गया था कि जो जुम्मन है वो उससे बदला लेगा. द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुड ही सीटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. जैसे ही जुम्मन को पंच बनाया गया, जुम्मन ने ये रियलाइज किया कि एक पंच होना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है और इसमें बिल्कुल सच बोला जाता है. Could he seated in that high place have his revenge now? He thought and thought. अब उसके मन में क्या विचार आ रहा है कि जो मुझे इतने बड़े पद पर बैठाया गया है, मुझे सरपंच बनाया गया है, क्या मुझे अपना रिवेंज लेना चाहिए या मुझे सच का साथ देना चाहिए. नो He must not allow his personal feelings to come in the way of seeking the truth and doing justice. लेकिन सरपंच तो सच का साथ देता है. हाँ, तो उसने उसके माइंड में भी, जुम्मन के माइंड में भी यही बात आई कि मैं सच का ही साथ दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी गई है. Both Alagu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Jumman stood up and announced, It is our opinion that Sahu should pay Alagu the price of bullock. When Sahu brought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Alagu cannot be blamed for it. Alagu could not contain his feelings. He stood up and said loudly,
over and over again with plea to the panchayat. This injustice God lists in the voice of the panch. So सारा उन्होंने फैसला कर दिया क्या क्या कहा जुम्मन ने कि जब अलगू ने साहू को बैल दिया था तब बैल बिल्कुल ठीक था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, एकदम ठीक था, बिल्कुल भी बीमार नहीं था, उससे ज्यादा काम कराया गया, ज्यादा बोझ लदवाया गया, इसलिए वो बेचारा थक थक के खत्म हो गया, वरना उस बैल को तो जब खरीदा गया था तभी वो बहुत अच्छा था, वो पैसे ना देने के चक्कर में बैल मर गया इसलिए उसको चिड़ लग गई, वरना पैसे इसीलिए नहीं दे रहा है वो पैसा कि बैल मर क्यों, मैं और काम कराना चाहता हूँ। तो ये फैसला हो गया। Soon after, Jumman came to Algu, embraced with him, and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today, I realized what it meant to be a punch." अब जुम्मन कह रहा अलगू को कि लास्ट पंचायत जो हुई थी उसमें मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन अब जब मुझे पंच बनाया गया तब मुझे पता चला क्या होता है एक जिम्मेदारी लेना। A punch has no friend nor enemy. एक पंच का कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, उसको एकदम जस्टिस करना होता है। फिर ही नोज ओनली जस्टिस, लेट नो ट्रुथ वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी। डेविएट यानी कि जो भी जस्टिस के रास्ते में, न्याय के रास्ते में जो भी रुकावट आए उसको हटा देते हैं। अलगू एम्ब्रेस हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट। अलगू ने अपनी फ्रेंड को बहुत खुश किया और थोड़ा सा रोने भी लगा। And his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. और दोनों ने समझौता किया और दोनों को पता चल गया कि हमारे अच्छे दोस्त बन गए। हाँ जी, और वो फिर से अच्छे दोस्त बन गए। अब बताइए, then the situation changed. What is being referred to? Then the situation changed. ये क्यों कहा गया है? किस बात के लिए कहा गया? Then the situation changed. मैं क्या? Then the situation changed. ये किस लिए कहा गया है? मैम क्या? मैम इसलिए क्योंकि क्या? मैम क्या? Then the situation changed. आपके चैप्टर में ये वर्ड ये सेंटेंस क्यों कहे गए? इसलिए कहा गया है क्योंकि जब जुम्मन ने अलगू के खिलाफ फैसला सुनाया था तो अलगू होता है। करेक्ट, बदले अब ये चैप्टर पूरा अच्छे से याद आ गया ना? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ एक्सरसाइजेस भी देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अ गेम ऑफ चांस पढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार। थैंक यू मैम। चलिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय। Yes, ma'am.